हम क्यों विश्वास नहीं करते नारी पर? जोमैटो का वीडियो देखने के बाद तो पता नहीं। सबसे पहले नारी सम्मान कितना जरूरी है आज के समय में, और क्या कहना चाहेंगे, एज ए महिला कितना प्राउड फील हो रहा है ये अवार्ड रिसीव करते हुए? मेरा ये मानना है कि ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है जिसमें नारी ने अपना परचम न लहराया हो, ऐसा कोई कार्य नहीं है जो नारी ने न कर दिखाया हो, लेकिन फिर भी नारी को अपने अस्तित्व के लिए लड़ना पड़ता है। ऐसा क्यों, आप बताइए ऐसा क्यों? क्योंकि मुझे लगता है कि जितना भी हम नारी प्रगति, नारी शक्ति, नारी शिक्षा को बढ़ावा दें वो कम है। हमें पहले से ज़्यादा और अवेयरनेस क्रिएट करनी चाहिए नारी शक्ति के लिए। आज आपने देखा कि हमारे साथ पायल घोष मौजूद थे और मैंने पायल घोष को सपोर्ट किया सोशल मीडिया पर जब उन्होंने इस बात का खुलासा किया कि उनके साथ यौन शोषण हुआ था। कई लोगों ने उन पर उंगली उठाया और ये पूछा कि हम ये कैसे मान लें कि आपके साथ वो हुआ जो आप होने का दावा कर रही हैं। हम इस तरह के सवाल क्यों उठाते हैं? हम ये क्यों मानते हैं कि जब कभी कोई नारी अपने यौन शोषण के बारे में कोई बात रखती है समाज के सामने वो केवल एक पब्लिसिटी स्टंट होता है? ऐसा क्यों मानते हैं हम? ये सोच कैसे पैदा होती है और क्यों पैदा होती है? हम क्यों विश्वास नहीं करते नारी पर? और शायद हमारे इस बर्ताव की वजह से ऐसी बहुत महिलाएं हैं जो आगे आकर अपने इस तरह के अनुभव के बारे में नहीं बताती हैं। उन्हें लगता है कि अगर मैं कुछ बोलूं तो ये आरोप लगाया जाएगा कि ये कोई पब्लिसिटी स्टंट है, जो कि नहीं है। तो मैं चाहती हूं कि हम नारी पर विश्वास करें, नारी का सम्मान करें, और यदि कोई नारी, कोई पीड़िता सामने आकर कहती है कि उसके साथ कुछ गलत हुआ है, हम सबसे पहले उसकी बात सुनें और कानूनी तौर पर क्या करना है क्या नहीं करना है इसका फैसला वो करेगी या उनके वकील करेंगे, लेकिन हम कम से कम सुन तो सकते हैं कि वो क्या कहना चाह रही है। सुनने से पहले ही हम ये वर्डिक्ट देते हैं कि नहीं, ये यकीनन कोई स्टंट होगा, इसको पब्लिसिटी चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, इस तरह का हम मीडिया ट्रायल करना शुरू करते हैं, जो कि गलत है। तो मैं चाह रही हूँ कि हम तहदिल से नारी का सम्मान करें और अच्छी तरह ये समझ लें कि बगैर नारी के विकास के देश का विकास कैसे हो सकता है। जोमैटो वाला एक केस हुआ है जहाँ पे लड़की बोल रही है कि उसे जोमैटो गाय ने उसे मारा है एंड लड़का उसमें अलग दिखा। जोमैटो ने, जोमैटो के एग्जीक्यूटिव ने उस लड़की का कहना सुना और सुनकर जोमैटो के एम्प्लॉय को सस्पेंड किया, करेक्ट? लेकिन क्या हम ये कहते हैं कि लड़की हमेशा सही होती है और लड़का हमेशा गलत होता है? बिल्कुल नहीं, हम ये नहीं कह रहे हैं। हम कह रहे हैं एक बार आप सुन लीजिए। तो मैं धन्यवाद देती हूँ जोमैटो के एग्जीक्यूटिव को जो उन्होंने जो लड़की है, क्या नाम है उनका, कोई सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है, हाँ, तो उनका, उनकी कहानी सुनकर, उनका बयान सुनकर उन्होंने सबसे पहले जोमैटो के एम्प्लॉय को सस्पेंड किया। अब ये देखना है कि किसकी बात में कितनी सच्चाई है। तो सच्चाई बाहर आ गई है या बहुत जल्द आने वाली है, और दोनों पक्ष की बातें हमने सुनी हैं। अब देखना ये है कि पुलिस किसके पक्ष में न्याय देती है। एंड सोशल मीडिया पर ये कहा जा रहा है कि एक्चुअली वो जो जख्म हुआ है लड़की के नाक पर, वो उन्हीं के फिंगर रिंग से हुआ है। अब
यू नो इस बात का खुलासा हो अच्छी तरह से, पुलिस इन्वेस्टिगेशन करे और पता लगाए कि असल में आरोपी है कौन, क्या यहाँ पर पीड़िता खुद आरोपी है या मामला कुछ और है। तो मैं ये नहीं कह रही हूँ कि हमेशा नारी जो है वही सही होती है और पुरुष जो है वो हमेशा गलत होता है, बिल्कुल नहीं। ये एक बहुत ही रूढ़ीवादी सोच है, मतलब क्या बोलते हैं उसको, बहुत ही प्रिमिटिव सोच है। मैं या स्टीरियोटाइप सोच है, मैं इस सोच को बढ़ावा नहीं देती हूँ। मैं केवल ये कहती हूँ कि उन महिलाओं को हमें बढ़ावा देना चाहिए जो आगे बढ़ना चाहती हैं, लेकिन किसी ना किसी वजह से वो पीछे रह गई हैं। शायद कोई ऐसा अनुभव रहा होगा उनका जिसके वजह से वो पीड़ित हैं। उन्हें मदद की ज़रूरत है, उन्हें सहारे की ज़रूरत है, उन्हें प्रोत्साहन की ज़रूरत है, और वो हम कहाँ से ला कर दें उन्हें, जब हमारे खुद के अंदर इस तरह की भावनाएं ना हो, तो हम क्या ऑफर कर सकते हैं आगे वाले को। तो मैं चाह रही हूँ कि सबसे पहले हमारा हृदय परिवर्तन हो, इस समाज का जो कलेक्टिव कॉन्शियसनेस है उसमें बदलाव आए। शर्लिन, आपसे बहुत सारी महिलाएं इंस्पायर होती है, आपको कौन इंस्पायर करता है आपकी लाइफ में? मुझे कौन इंस्पायर करता है? मैं मेडिटेशन करती हूँ हर सवेरे। आजकल मैं 6:30 बजे उठ रही हूँ, मैं चाहूँगी कि और जल्दी उठूँ। तो उठकर जब एकांत में बैठती हूँ बहुत अच्छा लगता है, एंड एक खुद को मैं शक्तिशाली महसूस करती हूँ एकांत में बैठकर। एंड मुझे लगता है कि बहुत ज़रूरी होता है स्पिरिचुअल होना, कुदरत की ताकत के साथ जुड़ना। मुझे लगता है ये अवार्ड मुझे दिया गया निडर होकर अपनी बात को सामने रखने के लिए। अभी हाल ही में मैंने कुछ खुलासे किए थे, और मुझे लगता है कि बात यहाँ पर सिर्फ खुलासे करने की नहीं है। हमें आमतौर पर डर लगता है ये सोचकर कि अगर मैंने ये स्टैंड लिया तो समाज क्या कहेगी मेरे बारे में, या क्या मुझे इंडस्ट्री में काम मिलेगा। मैंने अभी पिछले साल की बात है, ये मैंने एक बहुत ही डेयरिंग स्टैंड लिया। मैंने कहा कि मैं ड्रग्स के खिलाफ हूँ, मैं बॉलीवुड में अंडरवर्ल्ड के प्रेजेंस के खिलाफ हूँ। और उसके बाद मेरे कई दोस्तों ने मुझे कॉल करके बोला कि मुझे इतना डेयरिंग नहीं बनना चाहिए, क्योंकि इसके बहुत हार्श कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं, क्योंकि इंडस्ट्री में बहुत सारे लोग नशीली पदार्थों का सेवन करते हैं। तो इस तरह उनके खिलाफ जाकर स्टैंड लेना शायद फ़ायदेमंद नहीं होगा। तो मैं नुकसान और फ़ायदे के बारे में नहीं सोचती हूँ, मैं ये सोचती हूँ कि मुझे क्या करना चाहिए, क्या माल का सेवन करना अच्छा होता है सेहत के लिए, बिल्कुल अच्छा नहीं होता। मैंने 2017 अक्टूबर में धूम्रपान करना छोड़ दिया, मैंने मार्च 2020 में शराब पीना छोड़ दिया, और मैं चाहती हूँ कि युवा ये अच्छी तरह जान ले, समझ ले कि ये चीज़ें अच्छी नहीं होती हैं, और जिन्हें हम आदर्श मानते हैं वो डिप्रेशन के नारे लगाकर माल का सेवन करते हैं। क्या ये अच्छी बात है? क्या आप एक अच्छा एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं देश के युवा के लिए? नहीं, आप उनको अंधकार में ढकेल रहे हैं। क्या मतलब क्या आपको ये शोभा देता है? आपको लोग आदर्श मानते हैं तो आप खुलकर उनसे कहो कि नहीं, दिस इज़ रॉन्ग, ये नहीं करना चाहिए। हमें लगता है नहीं बस फिल्में करो, अवार्ड्स जीतो, एंडोर्समेंट्स करो, पैसा कमाओ, बस लाइफ सेट है। नहीं, आप देश के लिए क्या कर रहे हैं? आप देश के युवा के लिए क्या कर रहे हैं? तो ये सवाल मेरे लिए बहुत मायने रखते हैं। जी बिल्कुल जी, मैं वही कह रही हूँ कि ये ज़रूरी नहीं है कि हर वो शख्स जो संस्कारी होने का दावा करता है वो वास्तव में संस्कारी हो, और हर वो लड़की जो अंग प्रदर्शन करती है वो वास्तव में शराबी हो या स्मोकर हो या नशेड़ी हो, ये ज़रूरी नहीं है। तो स्टीरियोटाइप से हमें बाहर निकलना चाहिए, एंड हमें ये सोचना चाहिए कि हम देश के लिए क्या कर रहे हैं। आप देश के लिए, आप कोई मैसेज दे रहे हैं देश के युवा को?
क्या मैसेज दे रहे हैं आप देश की युवा को? आप ये बोल रहे हैं कि जब जब आप डिप्रेस फील करते हैं नो प्रॉब्लम, आप माल का सेवन करो, आप सुट्टा पियो, आप दमारो दम करो, आप नशेड़ी बन जाओ, ये क्या इस किस तरह का मैसेज है ये? हाँ, आपको नहीं पता कि इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं? ड्रग्स एक बहुत ही खतरनाक चीज़ होती है। हमें तो ये मैसेज देना चाहिए कि प्लीज़ और भी कई रास्ते हैं डिप्रेशन से राहत पाने के लिए, ये एक रास्ता नहीं है। मैं चाह रही हूँ कि इंडस्ट्री के सभी लोग सामने आएं और एक होकर बोलें कि इनफ इज इनफ, नो मोर ड्रग्स, नो मोर ड्रग्स, नो मोर अल्कोहल, नो मोर रेव पार्टीज, इनफ इज इनफ। इस तरह का स्टैंड लेना चाहिए। जी, होता ये है कि जब इस तरह के हादसे हम याद करते हैं और उन्हें बयान करते हैं तो ऐसा लगता है कि उस हादसे को हम वापस जी रहे हैं, तो कहीं ना कहीं यू नो एक मानसिक प्रभाव होता है, एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट पड़ता है, एंड बस उसी के चलते थोड़ा सा हम भावुक हो जाते हैं। और बहुत सारे NGOs आर मेनी गवर्नमेंट एंड मेनी अदर NGOs आर वर्किंग इन पुटिंग ऑल देयर एफर्ट्स इन क्रिएटिंग अवेयरनेस अमॉन्ग पीपल रिगार्डिंग वीमेन एम्पावरमेंट। बट वीमेन एम्पावरमेंट तभी हो सकते हैं जब हम इनइक्वालिटी को एलिमिनेट करेंगे। आज भी मैं आई हैव रिसीव दिस अवार्ड, लेकिन आज हम जब देखते हैं तो अभी भी इट इज़ अ मेल डोमिनेटेड सोसाइटी। अभी भी एक ही प्रोफेशन के लिए, एक ही स्टेटस के लिए, एक ही जॉब के लिए लड़कियों को ज़्यादा पैसा मिलता है, लड़कियों को कम मिलता है। रिस्पेक्ट के वाइज भी हम अगर देखा जाए तो द सेम थिंग हैपनिंग। जब तक ना इक्वेलिटी होगा तब तक यू कैनॉट से यू आर एम्पावरिंग वुमेन और यू बाई और यू आर रिस्पेक्टिंग वुमेन। सो दिस इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। बहुत अभी बहुत सारे CEOs बन रहे हैं जो वीमेन हैं, आगे तरक्की कर रहे हैं, लेकिन दैट इज़ वेरी हैंडफुल ऑफ वीमेन। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, हम अगर कोई वीमेन काम करते हैं, मे बी CEO ऑफ अ कंपनी और मे बी एक्टर्स, देन वी गिव देम अवार्ड। आई थिंक द मोस्ट मीन्स द लेडीज हु डिजर्व एक्चुअल अवार्ड आर द हाउस वाइफ्स। We should respect them more than anybody because they maintain their whole family and make sure that everybody in the family is happy and they can achieve whatever they want in their lives, and for that they sacrifice their own life. So more power to all the housewives around, and yes, inequality has to be eliminated. Also मेल डोमिनेटेड सोसाइटी है जैसे आपने कहा, तो आपको लगता है कि महिलाओं को कोई इक्वालिटी मिलनी चाहिए एज यू सेड? और जिस तरह का सपोर्ट आपको मिला है मेल लोगों से भी, उसको मानते हैं कि बहुत अच्छा सपोर्ट था आपको जो मुश्किल समय था आपका, जो आपने केस भी किया था अनुराग? बिल्कुल, बहुत लोगों ने मुझे सपोर्ट किया, मुझे पूरे हिंदुस्तान ने सपोर्ट किया, जिनको हु अंडरस्टैंड वीमेन, दे हैव कम एंड स्टूड बाई मी। So I'm grateful to everybody. Yeah, the time is changing, but we need to change it more and more and faster. And let women breathe the same air that men do. That is my request. पायल जी, जो टैक्स चोरी का मामला आया है फैंटम फिल्म के द्वारा, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे अनुराग कश्यप के ऊपर? और काफी देखिए, अनुराग कश्यप ऐसे इंसान है जो दुनिया को बताते हैं वही चीज़ वो खुद करते हैं, और वो फेमिनिस्ट बन के घूमते हैं लेकिन अंदर ही अंदर दूसरे मतलब एक्ट्रेसेस को, जो अपकमिंग एक्ट्रेसेस है, नए एक्ट्रेसेस को शारीरिक शोषण करने का मेंटेलिटी रखते हैं, करते भी है, और खुद उन्होंने बताया। वो दूसरे को ज्ञान बांटते रहते, ये नहीं होना चाहिए, वो गलत है, वो चोर है, ये ऐसा है, लेकिन वो खुद ही इतना बड़ा चोर है कि 650 करोड़ का स्कैम लग गया उनके ऊपर, तो समझ सकते हैं कि कैसे स्प्लिट पर्सनालिटी है। ट्विटर पे कुछ और दिखाते हैं और रियल लाइफ में बिल्कुल अलग इंसान है। तो ऐसे इंसान बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल है हमारी सोसाइटी के लिए, तो मैं चाहूँगी कि ऐसे इंसान को हम अवॉइड करें और इनको इतना इम्पोर्टेंस ही ना दें। आपको क्या मिला नहीं मिला?
अभी भी पुलिस हमें बोलते हैं कि इन्वेस्टिगेशन इज गोइंग ऑन, इन्वेस्टिगेशन इज गोइंग ऑन, मैम प्लीज कीप पेशेंस, वी आर डूइंग आवर बेस्ट, बट आई डोंट नो. अगेन आई टोल्ड यू इट्स अ मेल डोमिनेटेड सोसाइटी एंड एवरीथिंग द वेन देयर फेवरेबल पार्टी इज इन द गवर्नमेंट देन ऑब्वियसली दैट दे विल ट्राई डू एवरीथिंग टू हेल्प द क्रिमिनल rather than helping the girl of their own state. बहुत ही स्पेशल फीलिंग है और आई एम सो हैप्पी टू बी हियर. मुझे बहुत अच्छा लगा कि मुझे इनवाइट किया गया और इससे सम्मानित किया गया. और अभी हम वुमेन्स डे मना रहे थे पर हर दिन जो है हमें रिस्पेक्ट करनी चाहिए औरतों की, और जिन जिन औरतों ने अचीव किया है उन्होंने कितनी मुश्किल से अचीव किया है बहुत ही बड़ी बात है. और इस तरह से खड़े होकर यू नो स्टेज पर जब सम्मानित किया जाता है बहुत ही स्पेशल फीलिंग है. और यू नो मेरे पापा भी यहाँ पर है मेरे साथ और यू नो मैंने उनके हाथ में ये दिया और बहुत ही स्पेशल फीलिंग है. आई एम वेरी हैप्पी टू बी हियर. जस्टिन, आपकी लाइफ में ऐसी कौन सी महिला है जो आपको इंस्पायर करती है? मेरी मॉम ही है जो मुझे सबसे ज़्यादा इंस्पायर करती हैं और कभी कभी वो मुझे इतना डांटती हैं कि मुझे चिढ़ होने लगती है कि मुझे मत डांटो, लेकिन बचपन से लेके आज तक उन्होंने डांट इसलिए लगाई है ताकि मैं आगे लाइफ में और इम्प्रूव कर सकूं. अब जैसे एक किस्सा मैं आपको बताती हूँ, जब मेरे पेरेंट्स को पता चला था कि मैं गा सकती हूँ, दैट यू नो आई कैन सिंग आई कैन डांस, तो मेरे पेरेंट्स जो है मेरे जो भी घर में गेस्ट आते थे उनके सामने कहते थे बेटा गा के बताओ, बेटा डांस करके दिखाओ. मुझे तब इतनी चिढ़ आती थी कि क्यों मुझे ये बोला जाता है कि जब भी कोई गेस्ट आए मुझे टेंशन होने लग जाए कि अब गाना गाना पड़ेगा और डांस करना पड़ेगा. बट आज वो मैं रियलाइज़ करती हूँ कि वो इसलिए कहा जाता है, इसलिए किया जाता है ताकि आपका कॉन्फिडेंस बढ़े. और उसकी वजह से जब मैं पहली बार स्टेज पे गई मैं इतनी कॉन्फिडेंट थी, इतना सपोर्ट किया है मेरे फैमिली ने मेरा. तो अगर पूछा जाए एक इंसान जो मुझे इंस्पायर करता है, डेफिनेटली माय मॉम. जसलीन जी, आज आपका गाना काफी वायरल हो रहा है, अनूप जी ने आपने जो इधर देख के जो आपने गाना गाया है क्या कहना चाहेंगे? सजदपुर में काफी आपका गाना फेमस हो रहा है, अनूप जी और आपने एक साथ गाना गाया है. हाँ जी, ट्रेलर है जो उसका दिया, वो बहुत ही फन लविंग गाना है और अनूप जी ने भी गाया है और एक अलग अंदाज वाला गाना है जो हम दोनों ने साथ में गाया है. इट्स अ रोमांटिक सॉन्ग और जल्दी पिक्चराइज भी होने वाला है, लेकिन उसमें मैं और अनूप जी रोमांस नहीं कर रहे हैं. पहले ही क्लियर कर रही हूँ, इसीलिए गाना रोमांटिक है, पिक्चराइज किसी और पे होगा, लेकिन अनूप जी और मैं हम दोनों एक रोमांटिक गाना डेफिनेटली कर रहे हैं साथ. और आपकी लाइफ में ऐसी कौन सी महिला है जो आपको इंस्पायर करती है? मेरी लाइफ में तो बहुत सारी महिलाएं जो मुझे इंस्पायर करती है. मेरे घर में ही माशाल्लाह बहुत सारी औरतें ज़्यादा है. पता है कभी कभी मैं सोचता हूँ कि मैं प्रेग्नेंट क्यों नहीं हो सकता, मतलब यू नो आई यूज़ टू थिंक मैं पेरेंट्स पे क्यों नहीं जा सकता. बट आई थिंक आदमी जात की शायद उतनी औकात नहीं है जो इतना सब कुछ झेल सके, उसके बाद में भी बहुत सारा यू नो ज़िंदगी में रिस्पॉन्सिबिलिटीज उठा सके. सो आई थिंक नारियों का सम्मान एक दिन नहीं, हमेशा होना चाहिए. और यहाँ पे हमने देखा कि बहुत सारी महिलाओं को सम्मान दिया जा रहा है, तो आज के टाइम में वो कितना इम्पोर्टेंट है महिलाओं को सम्मान देना? जोमैटो का वीडियो जोमैटो का वीडियो देखने के बाद तो पता नहीं, बट खैर नहीं ऐसा नहीं है, मस्ती कर रहा हूँ. औरतों का सम्मान होना चाहिए. आई थिंक बहुत सालों से उन्हें उनका हक नहीं मिलता है, तो अभी कहते ना ऐसे कोरोना वायरस चल रहा है, ऐसे ऐसे लग रहा है कि दुनिया ख़त्म होने वाली है. तो आई थिंक उससे पहले ही शायद जितना आप सम्मान कर सकते हो करो, क्योंकि आखिरकार उन्हीं ने आपको इस दुनिया में लाया है यार. सो आई थिंक वी शुड रिस्पेक्ट वुमेन. राइट, स्पेशल आप जब इंजर्ड हुए थे उसके बाद अब हम जो है बहुत सारे आपके डांसिंग के वीडियोज़ देख रहे हैं. अच्छा, तो कोई अपकमिंग प्रोजेक्ट्स है आपके अगर कुछ शेयर करना चाहें? यस, मैं एक डांस बेस्ड वेब सीरीज करने वाला हूँ एंड होपफुली उसकी अनाउंसमेंट बहुत जल्दी ऑफिशियली करूँगा. सो लेग इंजरी के बाद में एक डांस बेस्ड वेब सीरीज़ करना मेरे लिए एक अचीवमेंट टाइप है, क्योंकि डांसर हूँ तो यू नो डांस हमेशा कनेक्शन में रहेगा. सो आई एम एक्साइटेड एंड आई विल रिवील इट. नारी से जुड़ी मोर अपडेट्स के लिए हमारे इंस्टाग्राम को फॉलो, फेसबुक को लाइक और यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें.